दरअसल घटना 26 अगस्त को हुई थी। सिटी कोतवाली के अशोक नगर निवासी सराफा व्यापारी दिलीप सोनी ने अपने 3 कर्मचारियों को 70 लाख रुपए देकर यूपी के मिर्जापुर भेजा था, जहां एक जमीन का सौदा होना था। तीनों कर्मचारी मिर्जापुर गए, लेकिन जमीन का सौदा नहीं होने पर रुपए लेकर वापस लौटने के दौरान लापता हो गए और अपना मोबाइल बंद कर लिया। 2 दिन तक कर्मचारियों की तलाश के बाद व्यापारी ने 28 अगस्त को समान थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने थाना प्रभारी जेपी पटेल के नेतृत्व में टीम गठित कर यवाही का निर्देश दिया। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से घटना में शामिल 2 आरोपी अरविंद सोनी निवासी महाजन टोला, मुकेश सोनी निवासी वासा को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी अंकित साकेत निवासी कुल्लू थाना सिमरिया की तलाश में दबिश दी तो आरोपी अपने पैसा मौसर रमेश साकेत निवासी सतना के घर पैसा छिपा रखा था, जहां से ठगी के कुछ रुपए बरामद हो गए। पुलिस ने रकम बरामद कर मौसर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों से 62 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। शेष रकम फरार आरोपी अंकित साकेत के पास होने की जानकारी बताई जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं पूरी घटना के संबंध में समान थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पटेल ने क्या जानकारी दी है। ये लगभग 8-10 दिन पहले जो है दिलीप सोनी जो सराफा का व्यवसाय करते हैं उनके द्वारा एक FIR करवाई गई थी कि उनके 3 जो नौकर हैं वो जो है उनको 70 लाख रुपए दिया था किसी का वहाँ पे उत्तर प्रदेश में सामान मंगाने के लिए। किसी कारण बस वो वहाँ डिलीवर नहीं कर पाए तो उनको वापस बुला लिया था और जिसे लेकर वो आ रहे थे और उसके पीछे पीछे ये भी आ रहे थे, दिलीप सोनी भी आ रहे थे प्रार्थी। तो यहाँ पे सामान जो ब्रिज है वहाँ पर जब पहुँचे तो ये तीनों लोग इनकी वैगनार कार सहित तीनों लोग और रकम के सहित सिरमौर चौराहा तरफ गाड़ी सीधे निकल गए और आगे जा कर के उन्हें फ़ोन बंद कर लिया। इसके बाद ये लोग ढूंढते रहे, इनका पता नहीं चला। उसके बाद इन्हें दिलीप सोनी ने थाने में सूचना दी, FIR दर्ज करवाई जिस पे धारा 406 और 408 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और उसी की तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनकर जी एवं CSP महोदया शिवाली चतुर्वेदी मैडम के नेतृत्व में जो है लगातार विवेचना की जा रही थी। और अभी हमने कल जो है सूचना के आधार पे 2 मुख्य आरोपियों को अरविंद सोनी और मुकेश सोनी इनको हमने गिरफ्तार किया है और एक अन्य आरोपी है जिनसे तीनों मिला करके लगभग 62 लाख रुपए की जब्ती की गई है। एक आरोपी अभी मामले में फरार है। कितनी रकम थी और कितनी बरामद हुई? 70 लाख रुपए की रकम FIR में दर्ज कराई गई थी जिसमें से 62 लाख रुपए के लगभग जो है जब्त हो गई है। और कुछ हथियार वगैरह भी दिए थे? नहीं, हथियार वगैरह का मामला तो प्रकाश में नहीं आया है। बस यही है कि आरोपी कितने थे और ये 3 नामजद आरोपी थे। पीड़ित के हकाय व्यापार करते थे? पीड़ित जो है सराफा का व्यवसायी है, कोतवाली क्षेत्र में सराफा की दुकान है इनकी, तो उसी में ये इनका लेन देन का वो चलता रहता। जेल चले गए आरोपी? हाँ, आरोपियों को अभी हम पूछताछ के लिए